हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कोरल ड्रो 19 के अंदर हम गूगल का लोगो कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप में। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये एलिप्स टूल लेना है। F7 प्रेस करेंगे तो आपका एलिप्स टूल आ जाएगा, इस पर हमने क्लिक करा और कंट्रोल के साथ हम इसको ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया। ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर हम कॉपी करेंगे, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, और उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा पेस्ट दिख जाएगा और यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट, और उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको हम अंदर की तरफ ले जाएंगे कुछ इस तरह से और छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेंगे, रेक्टेंगल टूल F6 से आप ले सकते हो, मैंने ले लिया, और इसको हम यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, और इसको हमने सेट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला टूल लेना है, इस टूल का नाम है 2-point line टूल, और उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आपको ये वाला टूल लेना है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे ऐसे सिलेक्ट करके, और उसके बाद इसको बाहर वाले को भी हम डिलीट कर देंगे और इस वाले को भी डिलीट कर देंगे और इस वाले को भी डिलीट कर देंगे। तो जी जैसा कुछ नज़र आ रहा है ना आपको, हाँ। तो उसके बाद हम यहाँ पर 2-point वाले पे दोबारा से हम सिलेक्ट करेंगे और एक यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है स्मार्ट फिल टूल, इस पर हम क्लिक करेंगे, और इस पर हम क्लिक करने के बाद इसके अंदर रेड कलर करेंगे, लेफ़्ट और राइट क्लिक दोनों करना है। फिर यहाँ पर हम इसके अंदर क्लिक करके येलो कलर करेंगे और यहाँ पर हम ग्रीन कलर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमारा ब्लू कलर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप गूगल का लोगो बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।